चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, एमसीसी के सेकंड राउंड का रिजल्ट आ चुका है और कट ऑफ वही रही है जो हमने आपको सीट मैट्रिक्स आने के बाद प्रेडिक्ट की थी। तो आइए मैं आपको एक बार कट ऑफ बता देता हूं। तो यूआर कैटेगरी की सेकंड राउंड की जो कट ऑफ रही है 22,104 रैंक, जिसके मार्क्स थे 612, जीएमसी नागालैंड मिला है और इतने ही मार्क्स हमने बताए थे 612। यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट को 10,75,746 रैंक पर जीएमसी नागालैंड मिला है। ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट को 22,456 रैंक, जिसके 611 मार्क्स थे, उसको जीएमसी नागालैंड मिला है और यही हमने 611 मार्क्स ओबीसी कैटेगरी वाले कैंडिडेट के लिए प्रेडिक्ट किए थे सीट मैट्रिक्स आने के बाद। ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जिसके 12,15,943 रैंक थी, नागालैंड मिला है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जिसके 24,430 रैंक, जिसके 608 मार्क्स थे, ये जीएमसी नागापट्टिनम मिला है तमिलनाडु का। हमने इसको 607 प्रेडिक्ट किया था। ये ईडब्ल्यूएस का 608 कट ऑफ रही है, एक मार्क्स जो हमने बताया था उससे ज्यादा रही है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए तो 10,99,554 रैंक, जिसको जीएमसी राजश्री मिला है महाराष्ट्र का कॉलेज। एससी कैटेगरी की बात करें 11,16,887 रैंक, जिसके 492 मार्क्स थे, जीएमसी नागालैंड मिला है। इसका हमने 490 कट ऑफ प्रेडिक्ट किया था, ये दो नंबर ज्यादा रहा है इससे, जो हमने प्रेडिक्ट किया था उससे ज्यादा गया है। एससी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट 11,97,143 रैंक, जीएमसी नागालैंड मिला है। एसटी कैटेगरी कैंडिडेट को 1,45,254 रैंक, जिसके मार्क्स थे 465, यहां हमने 460 कट ऑफ प्रेडिक्ट किया था, 5 मार्क्स यहां ज्यादा इंक्रीज हुए हैं जो हमने प्रेडिक्ट किया था। जीएमसी करूर मिला है। एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जिसकी रैंक 8,40,403 थी, 170 मार्क्स पर एम्स देवगढ़ मिला है। तो ये एमसीसी के एमबीबीएस की सेकंड राउंड की कैटेगरी वाइज कट ऑफ है। कट ऑफ वही रही है जो हमने पहले प्रेडिक्ट कर दी थी सीट मैट्रिक्स आते ही, कट ऑफ वही रही है। तो बाकी कोर्सेज की कट ऑफ, जैसे कि बीडीएस की, इसके अलावा और बाकी सारे कोर्सेज की कट ऑफ हम जल्द लेके आएंगे। तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद।